इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम लें, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरा देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा। देश यात्रा नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, जो 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और जो जेट प्लेन खरीदा रहा है, इसी काम के लिए खरीदा रहा था कि देश की यात्रा कर सके। बिहार जैसा गरीब राज्य जो एक और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, दूसरी ओर कह रहा है कि हमारी राजस्व की स्थिति खराब है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री 250 करोड़ का जेट प्लेन और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, तो ये देश की जो यात्रा करने जा रहे हो, इसी यात्रा की तैयारी के लिए वो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदा जा रहा है। यात्रा करें, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, बांका से आज कांग्रेस की भी यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग ना करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। इसको यात्रा देने का तो कोई तुकी नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो कर सकते थे। और इनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है, नहीं तो इसके पहले की प्रत्येक यात्रा में कोई ना कोई पब्लिक मीटिंग अवश्य रखा करते थे। और जहाँ तक देश की यात्रा करने का सवाल है, तो मैंने कहा कि कौन रोक रहा है, लेकिन कौन पूछेगा उनको, कौन घास डालेगा, किस विपक्षी दल को एक करने का प्रयास करेंगे? क्या ममता बनर्जी इनके साथ आएगी? क्या KCR इनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? या क्या CPM और जो कांग्रेस का वहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट केरल में क्या एक साथ बैठ पाएगा? केजरीवाल ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि वो किसी दल से कोई अलायंस नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। KCR अपना अलग सुर अलाप रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। तो इसलिए जो विपक्षी दल है वो इतना बिखरे में और वो कभी एक हो नहीं सकते। तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम लें, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरा देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा। नड्डा जी बोल दिए तो उसके बाद क्या बचा बोलने के लिए? देखिए, तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव को भी मालूम है, इसलिए लालू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के पहले तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश जी बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चले जाएं। 2025 में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सुधाकर सिंह भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं सर। सुधाकर प्रकरण पर सर क्या कहिएगा आप लोग? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी, सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं वो लालू के इशारे पर बोल रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज पिछले लगभग एक महीने से वो सरकार के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, और कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति मुख्यमंत्री के बारे में ये कहे कि शिखंडी हैं, नाइट वॉचमैन हैं, या कहे कि शर्म उनको बेशर्म है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कभी BJP ने भी नीतीश कुमार के प्रति नहीं किया था। और जगता बाबू चुप है, जगता बाबू राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के अध्यक्ष हैं, उनका एक शब्द भी उन्होंने इसकी भरसा नहीं की है। तो देखिए, सारा लालू यादव के इशारे पर हो रहा है। नीतीश कुमार को बेइज्जत करो, क्योंकि नीतीश कुमार फिर वायदा खिलाफी कर रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना था, फिर पलट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 2025 का इंतजार कीजिए। तो इसलिए ये शह और मात का खेल प्रारंभ हो गया। इसलिए सुधाकर सिंह पर अब दिखावे के लिए कार्रवाई हो भी सकती है 2-4 दिनों के बाद, लेकिन दिखावे की कार्रवाई होगी। तो पहले जितनी गाली दिलवा सकते हो गाली दिलवा दो,
और फिर दिखावे के लिए हल्की फुल्की कार्रवाई कर दो। यह अभी 2023 का जो पूरा वर्ष है वो राजद और जदयू के बीच इसी प्रकार चूहा बिल्ली का खेल चलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।